Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आयमा फैसल के साथ लॉन में बातें कर रही है। अली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसे इल्जाम लगा रहे हो आयमा के ऊपर? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इनसे पूछ लो। ये बात करें, दोस्ती हो गई है अंधेरे और तन्हाई से। अगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल मानेंगे। ठीक है, फिर मैं उनकी इजाजत के बगैर चली जाऊंगी। आपको नहीं जाना ना, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, समझी ना? पता नहीं अली ने ऐसा क्यों किया, मुझे सबकी नजरों से गिरा दिया उसने। मुझे पता था तुम एक दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करोगी जिससे तुम मेरा सर झुका दोगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो सब तुम इतनी जल्दी करोगी। आप भी मुझ पर शक कर रही है। तो मैं और क्या करूं, जिम्मेदार भी तो तुम ही हो ना। अली पागल तो नहीं है? मुझे क्या पता था वो ना रिसीव करने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा देगा। मैं तो इसलिए रिसीव नहीं करती थी ताकि उसका हौसला ना बढ़े। मुझे बार बार फोन करता, लोग तरह तरह की बातें करते, मुझे क्या पता था ऐसे होगा। तुमने अपने माँ बाप की तरबियत का भरम रखा, इसका यकीन ये सब लोग नहीं करेंगे। तुम्हारी खुददारी तुम्हारे लिए बदनामी बन जाएगी। इसलिए तो कहती थी मुझे जाने दे, मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता ना अभी। अब अगर तुम चली गई तो ये लोग तुम्हें और कसूरवार ठहराएंगे। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये कि मैं यतीम हूँ, या ये कि अपनी बहन के घर में मुझे पनाह मिली हुई है जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। इसलिए कहती थी, इसीलिए मुझे जाने दे आप ही, मुझे जाने दे। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब अगर तुम चली गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे, मुझे जवाब दे होना पड़ेगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ही मुझ पे रहम करें। अब रो लो जी भर के। फयाज, क्या कर रहे हैं आप? ये से थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? इसे जरा भी शर्म नहीं, ना ही उस लड़की की इज्जत का ख्याल है इसे। क्यों छोड़ के आई है कॉलेज, इसे नहीं पता इसके इस तरह चले आने से उसकी इज्जत पे क्या होगा। तो आयमा से भी तो पूछे ना, उसने ऐसा क्या जादू कर दिया इस पे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के भागा चला आया यहाँ पे। आयमा का कोई कसूर नहीं है, आयमा से कोई सवाल नहीं करेगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा। शट अप! तुम अगर वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। अली खुदा के वास्ते वापस जाओ, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आसिफ के अलावा तुम सब भाइयों ने मिलकर मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। तुम्हें जरा तरस नहीं आता
कि तुम्हारा वो भाई दिन रात मेहनत करके तुम लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है। पहले इस घर में एक नाकारा बैठा हुआ था, अब दूसरा ये चला आया। तुम ये बताओ कि तुम आते के साथ ही कमरे में करने क्या गए थे? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? सिर्फ मम्मी हुई है अभी तुम्हारी उससे। मम्मी, ये अंगूठी जो आपने रायमा को दी थी। रायमा? अम्मी, यही बेहतर है। तुम ये फैसला करने वाली कौन होती हो? रायमा, रायमा, देखा देखा इस लड़की ने क्या हरकत की है, सिर्फ इसकी बेहूदगी और बेवकूफी की वजह से। बस अब आप भी रिलैक्स करें फयाज, आज तक आपने कभी अपनी औलाद पे हाथ नहीं उठाया और अब बस करो शकीला। अब बात मेरी इज्जत और मेरे कॉल की है, जिसकी इसने धज्जियां भी घेर दी हैं। ले जाओ इसे, ले जाओ और भेजो इसे। सब ठीक है, चलो ले। सदके जाए मेरा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा, देखो तो सही कितना छोटा सा मुंह निकला है। शकीला, फयाज को तुम समझा नहीं सकती थी? अरे देखो देखो बच्चे को मार मार के कैसे हलकान कर दिया। आपा, फयाज ने बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, मगर आज तो हद ही कर दी। हाला हद तो वैसे अली ने भी कर दी है, अपनी मोहब्बत का सबूत दे के। वो आयमा के लिए कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को उसे समझाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उल्टा उसे झाइलों की तरह मारना शुरू कर दिया। मुझे पापा के मारने का अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का कि वो मुझे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे रहे। तुम्हारे करतूत जो देख लिए थे फयाज ने, आयमा को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि वो बहन के ससुराल में रह रही है। मम्मी, आप आयमा को क्यों इल्जाम दे रही हैं? वो तो खुद मेरी जिद से परेशान होकर कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम के रोकने की कोशिश की थी उसे। ये दोनों बहनें इस रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी, इसीलिए तो मौके का फायदा उठाकर ये मंगनी की अंगूठी देके चली गई है। उफ मेरे खुदाया, पल भर में मंगनी भी टूट गई। अरे अंगूठी तो देखो काफी महंगी वाली है, इसे संभाल के रखो भाई। लाएं ये अंगूठी, मुझे दीजिए, ये आयमा की अमानत है, वही इसे पहनेगी। अली, उस घर में तुम्हारी ये हैसियत है कि अभी आप तो रहने दे, आप ही की वजह से सारा हंगामा खड़ा हुआ है। अली, तमीज से बात करो। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, बीना भाभी ने मुझे खुद बताया था फोन पे कि आयमा कई घंटों से फैसल के साथ लॉन में बैठ के अटखेलिया कर रही है, यही अल्फाज थे ना आपके? अरे भाई, मैंने तो मजाक किया था। अजीब, तुम मजाक किया था? आपका मजाक मेरी जिंदगी से खेल गया तो शुक्र मनाए कि मैं चुपचाप मार खाता रहा, मैंने मुंह नहीं खोला। आपके इस मजाक ने आयमा के किरदार को उछाला है। आयमा कितनी ही बद अखलाक क्यों ना हो, वो बद किरदार नहीं हो सकती। मंगनी टूट चुकी है, अभी रिश्ता नहीं होगा। आप ही वैसे बहुत घटिया चाल चली है आपने। तुम तो चुप ही रहो, आइंदा नहीं आओगी तुम मेरे साथ, बैठ जाओ। घटिया चाल चली है, अब आने का कहना खाला के यहाँ। मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी। आप खुद सोचें, जिस लड़की ने अभी से मेरे अली को दीवाना बनाया, वो शादी के बाद क्या करेगी? बच्चे को लेके यहाँ से चली जाएगी। क्या मतलब घर पे नहीं हूँ? आयमा ये घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? Thank you.
दुनिया तो मेरे लिए तंग होती है जारी बेटा, मेरी आखिरत को मुश्किल क्यों बना रही? क्या जवाब दूंगा असलम भाई को मैं रोज़े क़यामत? अपना फैसला बदल दो बेटा। अपा ये फैसला मैं आयमा की भलाई के लिए नहीं बल्कि इस घर की भलाई का सोच के कर रही हूँ, और मैं किसी से नाराज नहीं हूं। पापा, रायमा, सब ठीक तो है ना पापा? आप मुझे परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटी को मना रहे? तुम पापा से नाराज हो? इन्हें परेशान कर रही हो? मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं उससे। मगर पापा, किसी की ये जुर्रत जो आपसे नाराज हो जाए? रायमा, आसिम, आपको पता है मैं ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकती, आप जानते हैं। तो फिर बात क्या है, बोलती क्यों नहीं? अली अपना कॉलेज छोड़ के आयमा की वजह से वापस आ गया है, और वो वापस नहीं जा रहा। क्या, ये क्या बेवकूफी है? उसका तो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, कहाँ है अली? आसिम, आप अली को बता दीजिए कि उसकी आयमा से शादी नहीं हो सकती, आप उसे समझा बुझा कर वापस भेज दें। उसकी तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अली की शादी आयमा से क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मेरा फैसला है। तो इसका मतलब है हम आयमा के कुछ नहीं लेते? पापा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो तुम? पापा, इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। पापा, आप प्लीज परेशान मत हों, ये रिश्ता जरूर होगा। आप चलिए अपने कमरे में आराम से बैठे, मैं अली से बात करता हूँ, चलें प्लीज। अली, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा शक है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाया। बैठो। और ये तुम घबरा कर नहीं बल्कि कंफर्म करने के लिए आए हो कि बीना की बात में कितनी सच्चाई है। बीना ने मजाक किया था इसके साथ, भाभियां ऐसे मजाक करती हैं, रिश्ता जो ऐसा है। अम्मी, ऐसे मजाक रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं, फासले बढ़ा देते हैं। अली, अब तुम वापस जाओगे और अपनी तालीम कंप्लीट करोगे, ओके? मगर भाई, देखो अली, तुम्हारे इस रवैये से आयमा बदनाम हो जाएगी, घर वालों की नजरों में गिर जाएगी, और तुम्हारी उम्र अभी कम है, जज्बाती हो तुम। पहले ये जान लो कि रिश्तों को समेटा कैसे जाता है, उनके वकार का ख्याल कैसे रखा जाता है, और उनकी इज्जत कैसे बढ़ाई जाती है। और जब तुम ये जान जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी शादी आयमा से करवा दूंगा। अगर आयमा नहीं मानेगी? अम्मी, आयमा मेरी बहन है, रायमा की नहीं। तुम समझ गए हो ना मेरी बात अली?
भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारा निकाह अली नहीं अली ये नामुमकिन है तुम्हारा निकाह करवा देने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर आयमा की जिंदगी को दांव पे लगा रहा हूं देखो अली तुम अभी लाइफ में संजीदा नहीं हो अभी एक बीना के भड़काने से तुम कैसे दौड़े चले आए हो कल को तुम्हारी आयमा से शादी हो जाती है वो तुम्हारी बीवी बन जाती है कोई और तुम्हारे कान भड़काएगा तुम तो एक मिनट नहीं लगाओगे और रिश्ते को तोड़ दोगे तुम अभी पहले पापा के पास जाओगे और उनको सॉरी कहोगे सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले वापस चले जाओगे और आइंदा बेधड़क आयमा का रास्ता मत रोकना देखो अली आयमा ऐसी लड़की नहीं है कि शादी होने से पहले फ्लर्ट करे ठीक कह रहे हो भाई अब चलकर पापा को सॉरी करो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से जी जरूर बेटा खुश हो अमित आप परेशान मत हो चलो मेरी तो किस्मत ही खराब किसी के साथ भी अच्छा करने चाहती हूँ ना तो बुरा हो जाता अरे तुम तो हो ही बेवकूफ तुम्हें तो अकल ही नहीं है मेरा मतलब है कि तुमने इस बार भी जो चाल चली है ना कोई यकीन नहीं आया उसको शकीला को उल्टा वो ये कहकर चली गई कि भी आयमा जो है ना वो बड़ी पारसा है अरे आजो आजो खैरियत सब ठीक है ना हाँ आपा लेकिन वो मैं नहीं चाहती कि अली और आयमा फिर से एक हों लेकिन आसिम ने अली को यकीन दिलाया है कि वो आयमा से ही उसकी शादी करवाएगा हाँ भाई उसे कैसे यकीन होगा वो तो अपनी साली की तरफदारी करेगा ना रायमा तो खुद नहीं चाहती बस ये आसिम और फयाज बस दीवाने हुए चले जा रहे हैं इनको तो आखिरत का खौफ यही दुनिया में है अरे भाई शकीला आखिरत का खौफ जो है ना वो जिंदगी में ही होता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम पे किस चीज का जादू हुआ वह नहीं आपा मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी आप खुद सोचें जिस लड़की ने अभी से ही मेरे अली को दीवाना बनाया वे शादी के बाद क्या करेगी बच्चे को लेके यहाँ से चली जाएगी आप बताएं ना मैं क्या करूं तुम बहुत आसान तरीका है वो क्या भाई सीधी सी बात है कि तुम आसिम से अपनी माँ होने का हक मांगो जो सारी जिंदगी उसकी खिदमत में गुजार दी की उजरत मांगो अली मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि तुम इन सब से ज्यादा तालीम हासिल करो मगर ये सब क्या है पापा इसे मोहब्बत कहते हैं है ना अली पापा आई एम सॉरी मगर मुझे लगा था कि हाँ तुम्हें लगा कि तुम्हें पर लग जाएंगे और तुम उड़कर पहुंच जाओगे इसके पीछे भी कोई बात है जो मैं कुरेदना नहीं चाहता तुमने कैसे ज्यूम कर लिया कि एक लड़की ने तुम्हें फोन पे जवाब नहीं दिया या तुमसे बात नहीं की तो वो तुम्हें पसंद नहीं करती इस माशरे में कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री नहीं होती पापा प्लीज जाने देना प्यार दें इसे वैसे भी ये दो चार दिन में चला जाएगा नहीं इसे कल जाना होगा एग्जाम्स हैं सर जी पापा मैं चला जाऊंगा मैं कल ही चला जाऊंगा मगर वो रायमा भाभी तुम्हारी भाभी को मैं मना कर पापा प्लीज और आइंदा कभी ये गलती मत करना ओके जी पापा इट्स लाइक ए गुड बॉय We love you, Papa. Me too, my dears.
बस इतनी सी बात थी, सब ठीक हो गया। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे एक मिनट, बैठो। अपनी नाराजगी खत्म करो। अच्छा बाबा, मूड तो ठीक कर लो। आसिम, ना मेरा मूड खराब है और ना मैं नाराज हूँ। आसिम, आपने आपने अली को वापस भेज दिया? कल चला जाएगा, आज फ्लाइट नहीं मिली थी। रायमा, आयमा के हाथ से मंगनी की अंगूठी तुमने उतारी थी? जी। कहाँ है वो अंगूठी? वो अंगूठी अम्मी ने दी थी तो मैंने अम्मी को वापस कर दी। अपना हाथ लाओ। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये मंगनी की अंगूठी तुम आयमा को पहनाओगी अली के नाम की। जी। बड़ी भाभी भी तुम आके जगह होती है। मैं अली और आयमा को बुलाऊं? रुक जाइए, आयमा इस वक्त घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? आयमा ये घर छोड़ के जा चुकी है। क्या, घर छोड़ के जा चुकी है? तुम ये क्या कह रही हो? आयमा कहाँ चली गई, क्यों चली गई? रायमा मुझे जवाब दो। आसिम, मैं आयमा से मुतालिक आपको कोई जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। वो मेरी बहन है आखिर। और मेरे भाई की मंगेतर भी। आयमा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। रायमा, अब तुम्हारा रवैया मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त होता जा रहा है। वो मेरी इज्जत है, इस घर की इज्जत है। मैं उसे इस दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। बताओ कहाँ गई है वो? आयमा अपनी मर्जी से गई है और हमेशा के लिए घर छोड़ के गई है। तुम्हें पता है अली उसके पीछे अपनी स्टडीज छोड़कर आ गया है। अगर उसे मालूम पड़ा तो न जाने वो क्या कर बैठेगा। आप अली को समझाइए आसिम के वो वापस चला जाए, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे। रायमा, रायमा, पापा का सोचो, अम्मी का सोचो। वो दोनों क्या सोचेंगे कि तुमने उन्हें इस काबिल भी नहीं समझा कि आयमा के जाने की इत्तला देती? आसिम, मैं अम्मी अब्बू को अपनी अपनी मजबूरी समझा दूंगी। तो मुझे धमकी दे रही हो? नहीं अम्मी, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही, बल्कि मैं तो आपकी राय मांग रही हूँ। आप बताइए, मैंने फैसला गलत किया या ठीक किया? आसिम भाई, यार भाई भी कहती और भाई की बात पे यकीन भी नहीं। खुदाया, अब क्या होगा? अरे वो अगर लड़की जिसके साथ गई है उसने उसे अगर दगा दे दिया तो फिर क्या होगा? आसिम बेटा, तुम यूं करो कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। देखिए, आयमा किसी के साथ भागी नहीं है, रायमा की मर्जी से गई और रायमा जानती है कि वो कहां गई, बस किसी को बता नहीं रही। आसिम बेटा, कुछ करो, उसे ढूंढो। अम्मी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर पापा को मालूम पड़ा तो उन्हें कितना दुख होगा। वो तो आयमा से बहुत प्यार करते हैं। देखो बेटा, अली तो कल चला जाएगा, अगर पूछे तो उसे कह देना कि शर्म की वजह से चुपके बैठ गई थी। अरे भाई, बात को किसी तरीके से बस टाल देना, किसी भी तरीके से बस आज का दिन निकाल दो। लेकिन पापा तो बार बार आयमा को आवाजें देते हैं। हाँ भाई, फयाज के हलक से तो निवाला भी नहीं उतरता आयमा के बग। बस आसिम, इस रिश्ते को अब खत्म समझो, बहुत हो गई। अगर आयमा शादी नहीं करना चाहती अली से तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी। आसिम, मैंने कहा ना, अब इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो।
मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है बेटा, तुम रायमा से इसरार करोगे वो इनकार करेगी, बात बिगड़ जाएगी। अब इस बात की वजह से तुम अपनी इज्दवाजी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन अम्मी, अली अली अभी छोटा है, कम उम्र है, ये बेवफाई का जो गम है ना जल्दी भुला देगा, कहीं और दिल लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मगर अम्मी, आयमा को ढूंढना तो है ना, ऐसे अकेले भला कैसे रहेगी वो? जरूर ढूंढे, अगर आना चाहती है तो आ जाए, लेकिन सिर्फ रायमा की बहन की हैसियत से। अली और आयमा का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। पता नहीं कहां होगी आयमा। ये लो बिटिया। अरे बिटिया, रोना धोना छोड़ो ना, भूल जाओ ना सब, चलो खाना खा लो। आपने तकलीफ क्यों की, मैं खुद बना लेती। अरे बिटिया, तकलीफ कैसी, घर में जो पका था वो मैं उठा के ले आई, अब खा लो ना तुम। जी मैं खा लूंगी। अच्छा बिटिया, एक बात बताओ तो मुझे, ये रायमा के घर में ऐसा क्या हुआ था जो तुम यहाँ अकेले रहने चले आई? तुम्हें तो अकेले कमरे से डर लगता था ना, और रायमा के बगैर तुम सो भी नहीं पाती। अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, तन्हाई, अकेलेपन और अंधेरे से अब मुझे डर नहीं लगता। और हाँ, मुझे वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, बहुत खुश थी वहाँ पर। हाँ, वैसे भी कुंवारी लड़की का बहनोई के घर रहना कुछ अच्छा नहीं लगता, पर तुम परेशान नहीं हो, मैं रात को तुम्हारे पास सोने आ जाया करूँगी और खाना भी बना दिया करूंगी। बस वो हाथ तंग है जरा मेरा। आप पैसों की वजह से परेशान ना हो, अबू की पेंशन आती है, बैंक से प्रॉफिट भी आता है, बस आप वैन वाले से कह दीजिएगा मुझे यहीं से पैक करें कॉलेज के लिए। हाँ हाँ बिटिया, मैं तुम्हारे वैन वाले को कह दूंगी और तुम्हारे घर की सफाई भी कर देती हूँ, तुम बैठो खाना खाओ। आपने बुलाया? हाँ बैठो जी। रायमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा फैसला तुम इतनी ढिठाई से करोगी। आप रस्मन ये कह रही हैं कि मैंने कोई गलत फैसला किया, पर ना आप भी जानती हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। अगर रायमा यहाँ रहती तो आपके और मेरे रिश्ते में इज्जत और एहतराम खत्म हो जाता, पर हम रिवायती सास बहू की तरह एक दूसरे पे कीचड़ उछालते। तो मुझे धमकी दे रही हो? नहीं अम्मी, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही, बल्कि मैं तो आपकी राय मांग रही हूँ। आप बताइए, मैंने फैसला गलत किया या ठीक किया? क्या आप आयमा के यहाँ पर रहने की वजह से डिस्टर्ब नहीं रहने लगी थी? हाँ तुम ठीक कह रही हो, एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ मुझे इस फैसले से। लेकिन रायमा, मैं आयमा की वजह से बहुत परेशान हूँ, और वैसे भी मैंने जिस हाल में अली और आयमा को देखा
मैं सख्त खौफजदा हो गई। वो तो बाद में पता चला कि अली ने उसको हाथ पकड़ के खींचा था। अम्मी, यही तो आपका प्रॉब्लम है, आप फैसला पहले कर लेती हैं और सोचती बाद में। बस अब मुझे मजीद शर्मिंदा तो ना करो। रायमा, अली बहुत जज्बाती लड़का है और तुम्हारे पापा। अम्मी, अली तो वैसे भी कल चला जाएगा, और रही बात पापा की, तो पापा को मैं समझा लूंगी और कोई अच्छा सा रिश्ता देख के आयमा की शादी भी कर दूंगी। मुनासिब रिश्ता। हाँ, ये बात तो है। खैर, अस्सलामुअलैकुम। या मेरे अल्लाह, ये ख्वाब है या हकीकत? आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम सलाम, जीते रहो। व्हाट अ गुड चेंज। शुक्र है तुम हेलो हाय से सलाम की तरफ तो आए, देख रहे ना। भाई आज तो तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। मौसूफ जो हैं वो लंच टाइम में ऑफिस पहुंच गए और मेरा बहुत हाथ बटाया इन्होंने। अरे वाह मामा, अब मैं डैड का सहारा बनकर दिखा। मुझे बहुत खुशी हुई, तुम खुद को बदल रहे हो ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वैसे भी फैसल, बेटे तो होते ही बाप का बाजू है। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत थकन हो गई है, अच्छी सी चाय पिलवा दो। चाय के साथ मिठाई पकौड़े सब मिलेंगे आपको, आप चेंज कर लें। आप तो आप खुश है ना? खुश, मैं बहुत खुश हूँ फैसल। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन था कि एक दिन मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मामा, वो फिर आप कब जा रही हैं रायमा भाभी के पास? बस फैसल, मुझे कुछ वक्त हो, मैं तुम्हारे डैडी को राजी कर लूं। मामा बात तो करें ना। बात कर तो चुकी हूँ मैं, लेकिन रायमा भी उस घर की बहू है, सास ससुर डरती है, मौका तलाश कर रही है बात करने का। लेकिन फैसल, तुम मेरी बात का यकीन करो, जिस तरह तुमने मेरा मान रखा है, मुझे मायूस नहीं किया, मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। आयमा सिर्फ तुम्हारी बीवी बनेगी, समझे? थैंक यू वेरी मच मामा। मामा वो मैं नमाज पढ़कर आता हूँ, वो मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी आखिर सुन ली। हेलो स्वीटहार्ट, कहाँ थे तुम आज सारा दिन? मिल रहे हो ना आज? Why not? रात हो और मैं तुमसे ना मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और सुनो, कुछ हल्ला गुल्ला का प्लान है? सॉरी यार, मैं लेट नाइट नहीं रुक सकता। लेट नाइट तक नहीं रुक सकते, लेकिन क्यों? एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहा हूँ, दुआ करो कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। क्या तुमने शोबिज ज्वाइन कर लिया? नहीं, एक्टिंग शुरू कर दिया। एनीवे, रात को आ रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। याद रखना, पार्टी का सारा खर्चा तुमने देना है। हाँ बाबा याद है। फैसल, फैसल चाय लगवा दी है मैंने, बाहर आ जाओ। जी मामा, वो नमाज पढ़ रहा था, फर्ज पढ़ लिए, बस नफिल पढ़ के आ रहा हूँ। मगरिब की नमाज में नफिल होते भी नहीं, गलत तो नहीं? इतने अरसे से घर बंद था, धूल से भरा हुआ था, मेरी तो कमर ही दुख गई साफ कर करके।
सोच रही हूँ चाय बना लो। मुझे लगता है लड़का चाय का सामान ले आया। चाय बनाती हूँ मैं। आसिम भाई यार, भाई भी कहती और भाई की बात पे यकीन भी नहीं, क्यों चली आई? रहने दें ये सवाल, इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आपको बताए बगैर आने की जरूरत इसीलिए की थी क्योंकि वापस नहीं जाना मैंने। आयमा मेरे साथ चलो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं कोई भी बात नहीं मनवाना चाहती अपनी, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर आई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई शर्त है जिसे पूरा करवाना चाहती हूँ। तो फिर क्यों चली आई? जानती हो कि पापा को भी अभी तक नहीं मालूम कि तुम घर छोड़ के चली आई। मैं घर छोड़ कर नहीं आई हूँ आसिम भाई, अपने घर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह है मेरे साथ और मैं भी तो हूँ। इसको तो मैंने ही पाला है। रायमा स्कूल जाती थी ना तो मैं ही इसको संभालती थी। खड़े क्यों? बैठो ना, तुम बैठो ना, बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, बैठ जाओ। देखो आयमा, पहले की बात और थी, तुम्हारे अब्बू जिंदा थे, लेकिन अब तुम तन्हा हो। मैं नहीं जाऊंगी आसिम भाई, प्लीज इज्जत मत करें। अच्छा वजह तो बताओ। मैं कुछ दिन और वहां रहती ना, सारी वजूहात सामने आ जाती। आयमा तुम अगर अली से शादी नहीं करना चाहती तो हमारे साथ कुछ जबरदस्ती नहीं करेगा। अली से शादी से इनकार मैंने नहीं किया था। सच्ची बात तो ये कि सोचना तुम्हें ही है, आयमा की तमाम जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। अब तुम कुछ सोचो। शकीला तुम्हें उस घर में कोई अहमियत ही नहीं देती तो आयमा को क्या अहमियत देगी? भाई आयमा नहीं है। पापा वो उसकी तबीयत सही नहीं है, वो सो गई है। सो गई लेकिन कमरा तो खाली है। क्या आसिम ने वक्त पड़ने पे अपने घर नहीं बेचे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा के नाम की लाज के लिए? जी हाँ, एक दिन आएगा वो हम सबको भी भेज देंगे। पापी ने इन रोने खाबों को कहीं कैद करके रखा हुआ था। रायमा का घर वाला इतना परेशान था तुम्हारे, तुम चली ही जाती? जाऊंगी।